गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 से विषय हमारा हिंदी और मुख्य विषय हमारा हिंदी के पाठ्यपुस्तक सीरीज से पद्यखंड है हमारा। पद्यखंड से हमारी कविता नंबर 14 है चंद्र गहना से लौटती हुई। इस कविता को हमने कल समझा था, आशा करती हूँ कि आप सब रेडियो के पुस्तकों से उसको रीड किया होगा, समझा होगा। आज हम करेंगे इसके प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 हमारा, इस विजन में कैश अधिक है, यानी हमारी कविता में पंक्ति है, पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है, यानी कविता में कवि ने नगरीय संस्कृति के बारे में जो अपना क्रोध प्रकट किया है वो क्यों है, उसके बारे में। देखिए, कवि नगरीय संस्कृति के प्रति वैसे सहज भाव नहीं रखते जैसे ग्रामीण आंचल की सुंदरता के प्रति उसके हृदय में, यानी ऐसे विभाव उसके नगरीय संस्कृति के प्रति नहीं है जैसे जो कि शहर का ग्रामीण संस्कृति। नगरों में प्रत्येक वस्तु व्यापारिक दृष्टि से देखी परखी जाती है, वहाँ के जीवन में पाखंड और स्वार्थ की छाया सदाए बनी रहती, वहाँ प्रेम बिना होते, इसलिए जो कमी है उसके मन में नगरीय संस्कृति के प्रति आक्रोश है, क्योंकि नगरों में जो प्रत्येक वस्तु व्यापारिक दृष्टि से देखी जाती है, वहाँ के जो जीवन में वो पाखंड और स्वार्थ का भाव लगता है, इससे इसके अलावा भी जो उनके हृदय में प्रेम होता है वो भी बनावटी होता है, इसलिए नगरीय संस्कृति के प्रति जो ये मन में आक्रोश। प्रश्न नंबर 2, सरसों को सयानी कहकर कभी क्या कहना चाहता हूँ, जो कवि ने पद्यांश में सरसों के बारे में कहा था कि सयानी हो गई है सरसों, सरसों की है जो हो गई है सयानी, हाथ को ले करके मंडप में रखा, तो ये कहकर कवि क्या कहना चाहता है कि कवि सरसों को सयानी कहकर यह बताना चाहता है कि उसके पीले पीले फूलों से सारे के दूर दूर तक पीले रंग में रंगे हुए दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने उसके हाथ पीले करने का निश्चय कर दिया है और वह महामंडल के सजी सभी पधारी है। यहाँ पर सरसों को एक नव युवती के रूप में प्रस्तुत किया है कवि ने कविता में, ये जो पीली सरसों है क्योंकि जो सरसों के सरसों की जो फसल पर फूल आते हैं पीले रंग के, तो जो सारे के फूल तक पीले रंग में रंगे हुए दिखाई देते, और कवि को ऐसा लगा कि जिस प्रकृति ने उसके हाथ में ले करने का निश्चय कर लिया है, उसका विवाह करने का निश्चय कर लिया है, और वह विवाह मंडप में जहाँ पर विवाह होता है मंडप में सजी सवरी पधारी हुई है। प्रश्न नंबर 3 है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। सजे सवरे चने के पास ही दुबले पतले शरीर और लचीली कमर वाली अलसी अपने सिर पर पीले फूलों का सजाकर खड़ी हुई, वह चंचलता से परिपूर्ण है, श्रार्थ भरे स्वर में कहती है कि जो उसे छू देगा वह उसे अपना हृदय दान में देगी। ये अलसी का जो पौधा है उसको भी युवती के रूप में यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया है कि भाई वो चने के पास में ही दुबले पतले शरीर की है और लचीली कमर वाली, क्योंकि जो उसका अलसी का पौधा होता है वो बिल्कुल नाजुक होता है, इसलिए उसको लचीली कमर वाली बताया, और वो इतनी चंचल है यानी हिल रही है बार बार, और शरारती स्वर में कहती है कि जो उसे छू लेगा वो उसे अपना हृदय दे देगी। अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि वह यह जिद कर रही है कि जो कोई उसे छू देगा वह उसी को अपना हृदय दे देगी, उसी को ही जो उसी की वो हो जाएगी, इसलिए कवि ने यहाँ पर हठीली विशेषण का प्रयोग किया। चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में कवि किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है, कवि अति कल्पनाशील है, शाम का समय है और आकाश में संध्या का सूर्य जगमगाने लगा है जिसका प्रतिबिंब पोखर के जल में बन रहा है, पोखर का जल धीरे धीरे लहरियां ले रहा है जिस कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिल हिल कर लंबे गोल खंभे के समान प्रतीत हो रहा है। कवि ने उसे चांदी का बड़ा सा गोल खंभा कहकर अपनी सूक्ष्म कल्पना का परिचय दिया है।
कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। छोटा सा एक बली के बराबर हरा ठीगना चना अपने सिर पर छोटे गुलाबी फूल का मुरैठा बांधकर सज धज कर खड़ा है। यानी जो कवि ने खेत में जब हरे चने को देखा, यानी चने के पौधे को देखकर उसका सौंदर्य का वर्णन किया है कि एक छोटा यानी एक ब्लाद के बराबर है वो हरा ठिगना चना, और सिर पर क्योंकि उसके गुलाबी फूल लगे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उसने सिर पर मुरैठा बांधकर वो सज धज कर खड़ा है। उसका सौंदर्य अनुपम है, कवि उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर एकटक होकर उसे निहारता यानी देखता रहता उसको। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है, यानी कि जो हमने ये कविता को पढ़ा है उसमें पूरी कविता में जो प्रकृति का मानवीकरण किन किन के साथ किया वो बताना। यहाँ पर एक तो देखिए कि श्री केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा रचित कविता चंद्रगहना से लौटती बेर वास्तव में प्रकृति के मानवीकरण का अनूठा रूप है। यानी पूरी कविता में कवि ने प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक जो स्थान था उसका मानवीकरण किया है। कवि ने सारी प्रकृति पर ही मानवीय भावनाओं का आरोप कर दिया। बीते भर का यानी एक ब्लाद भर का जो चना गुलाबी फूलों की पगड़ी लपेटे खेत में सज धज कर खड़ा है, तो दुबले पतले शरीर वाली हठीली अलसी अपने सिर पर नीले फूलों को सजाकर खड़ी है, जो किसी को भी अपना दिल देने को तैयार है। सरसों जवान हो चुकी है जो पीले फूलों से सज संवर कर ब्याह मंडप में पधार गई है। प्रकृति का अनुपम आंचल हिल रहा है, पोखर के किनारे पानी में अध डूबे पत्थर भी पानी पी रहे हैं। चित्रकूट की भूमि बांझ है जिस पर कांटेदार कुरूप पेड़ खड़े हैं। तो ये सभी जो हमने कविता में पढ़ी थी इन सभी का मानवीकरण किया कवि। उसके बाद है कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है, और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है लेकिन वहाँ भी तोते का मधुर स्वर मन को संपादित कर रहा है। ये हमारी कविता से भी पंक्तियाँ हैं। देखिए, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता सुग्गी का सवर टें 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 टे।